अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है एलटी न्यूज 24x7 पर। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए एलटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। आप देख रहे हैं एलटी न्यूज 24x7। कल नामपली कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्री येदु गोदुला पोचामार मंदिर में रावण जलाया गया। इस मौके पर नामपली इंचार्ज टीआरएस पार्टी आनंद कुमार गौड़, हबीब नगर पुलिस स्टेशन एसएचओ नरेंद्र, एसआई जयन, प्रदीप अग्रवाल, रेड हिल्स डिवीजन कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर प्रियंका गौड़ भी मौजूद थे। रात 9 बजे ये प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत किए। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने एलटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। 2 साल से लॉकडाउन में आवाम दशहरा फेस्टिवल को नहीं मना पाया, जो घरों में मनाया पाया, और रावण जलते हो रहा, क्या महसूस और क्या फीलिंग कर रहे थे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद आ गया, रावण दहनम हुआ जिसमें इतनी पब्लिक शिरकत की यहाँ पर, और मैं अपनी तरफ से यहाँ आए तो सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों और मीडिया वालों को, पुलिस वालों को जो भी सहयोग करे, उन सबको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो कोरोना यहाँ पर महामारी जो चल रही है वो पूरी खत्म हो जाए और हैदराबाद की पब्लिक आराम से रहे। और मैं हमारे केजीआर साहब, प्रभाकर साहब और नामपली पार्टी पीछे के पूरे लीडर, पूरे मेरे भाइयों को दशहरा की मुबारकबाद देते हुए। सब जो दशहरे का आखिरी दिन था क्या? और नहीं, दशहरे का आखिरी दिन था। మరికొద్ది క్షణాలు రావణ దహన కార్యక్రమం ప్రారంభం కావచ్చున్నది కావున అతి సంఖ్యలో ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ప్రజల అందరికీ ఏడుగుళ్ళ పోచమ్మ ట్రస్ట్ కమిటీ చైర్మన్ సిహెచ్ ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ ద్వారా శారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మరియు హబీబ్ నగర్ సర్కిల్ నరేందర్ గారికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అమ్మ తీసేసుకోండి నంబర్ 2 ఎవర్దండి ఇగో 3వ నంబర్ ఎవర్ దగ్గర చిట్టీలు ఉంటే వాళ్ళే రావాలండి